1, 2, 3, come on! Come on! Come on! आज की यह वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग और काफी फनी वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी वीडियो आपको हम आज एडिटिंग करके दिखाने वाले हैं। तो गाइस आपको इस वीडियो का कंप्लीट जरूर देखना है, तो ही आप इस वीडियो का मजा ले पाएंगे। तो गाइस देखते हैं इस वीडियो में किस तरह से आपको हम जो वीडियो आप स्टार्टिंग में अभी अभी जस्ट देखे हैं उस वीडियो की तरह ही आप किस तरह से एडिटिंग कीजिएगा बहुत ही कम समय में। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि गाइस अगर आप लास्ट तक नहीं देखिएगा तो हो सकता है आप इस तरह के वीडियो ही नहीं एडिटिंग कर पाएंगे। तो इसलिए गाइस इस वीडियो के तरह एडिटिंग करना चाहते हैं, इस तरह की वीडियो अपना आप बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और कंप्लीट जरूर देखिएगा। और गाइस अब आपको दिखा दे रहे फर्स्ट स्टेप, आपको कुछ इस प्रकार से शूट कर लेना है। 1, 2, 3, come on! उसके बाद आपको सेकंड स्टेप कुछ इस प्रकार से शूट कर लेना है। 1, 2, 3, come on! शूट करने के बाद फ्रेंड अब आपको आगे हम बताते हैं जो किस तरह से इस वीडियो को एडिटिंग किया जाएगा। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन होगा उस बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें, जिससे फ्रेंड इस चैनल पर हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश राज, आप देख रहे हैं राजी ऑफिशियल ट्रिक्स चैनल। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन होगा उस बेल आइकन को जरूर ऑन करके रख ले ही, क्योंकि गाइस इस चैनल पर इस तरह के ही इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा आती रहती है। तो गाइस चलिए देखते हैं जो किस तरह से एडिटिंग किया जाएगा। यहाँ पर गाइस आपको कैन मास्टर कुछ इस प्रकार से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद साइड में यहाँ पे आपको प्लस आइकन दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड आपको 3 ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा। यहाँ से फ्रेंड आपको 9:16 वाला रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से फ्रेंड आपका गैलरी खुल के आ जाएगा। आप फ्रेंड यहाँ से वो वीडियो सेलेक्ट कर लेंगे जो वीडियो में आप कुछ इस प्रकार से एडिटिंग करना चाहते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड हम वीडियो सेलेक्ट कर लिए हैं। यहाँ से फ्रेंड सबसे पहले आपको जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा आपकी वीडियो में वो एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ से हम डिलीट कर लेंगे। यहाँ देखिए फ्रेंड इस वीडियो में यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट है, तो एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से हम डिलीट कर लेंगे। डिलीट करने के लिए फ्रेंड आपको यहाँ पर देखिए सीजर का आइकन देखेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से फ्रेंड आपको सेकेंड नंबर सेलेक्ट कर लेना है, ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड। यहाँ देखिए जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। और फ्रेंड वीडियो कुछ इस प्रकार से आगे की तरफ बढ़ा लेना है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड ये लड़का जहाँ से डंडे ऊपर उठा रहा है यहाँ आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद यहाँ से देखिए फ्रेंड आपको लेयर पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ से हम मीडिया सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से फ्रेंड बैकग्राउंड हमको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से फ्रेंड कोई भी कलर एक बैकग्राउंड आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से फ्रेंड हम ब्लैक कलर सेलेक्ट कर रहे हैं। ब्लैक कलर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसका रेशियो कुछ इस प्रकार से हम वीडियो के बराबर कर देंगे। वीडियो को बराबर कर देने के बाद आपको इस ब्लैक कलर को ग्रीन कलर में चेंज करना होगा। चेंज करने के लिए यहाँ पे देखिए फ्रेंड यहाँ पे हम कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ग्रीन कलर ले लेंगे। आप फ्रेंड कुछ इस प्रकार से इसे हम ऐसे बढ़ा लेंगे। और फ्रेंड इसे हम नीचे में यहाँ पर देखिए फ्रेंड डंडे है, डंडे के नीचे में वो अच्छे ढंग से यहाँ पे हम इसे बिठा देंगे। अब फ्रेंड आपको यहाँ से यहाँ साइड में देखिए यहाँ पे एक की का ऑप्शन दिखेगा, इस की का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। की का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से फ्रेंड कुछ इस प्रकार से अब आगे की तरफ बढ़ाएंगे और यहाँ आएंगे। फिर यहाँ से देखिए फ्रेंड आपको प्लस आइकन पे क्लिक करना होगा।
और इसको कुछ इस प्रकार से ऊपर की तरफ उठा लेना है। हो गया फ्रेंड, अब फिर फ्रेंड कुछ इस प्रकार से आगे की तरफ आएंगे और फिर यहाँ से जो है प्लस आइकन पर आपको क्लिक कर देना है और फिर इसे कुछ इस प्रकार से कर लेना है। फिर फ्रेंड कुछ इस प्रकार से आगे की तरफ आएंगे और यहाँ पर देखिए फ्रेंड आपको प्लस आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे और फिर से यहाँ पे ऐसे कर देना है। अब फ्रेंड फिर कुछ इस प्रकार से आगे की तरफ आएंगे और फिर यहाँ से प्लस पे क्लिक कर देंगे और इस ग्रीन कलर को फिर ऊपर की तरफ हम कर लेंगे। फिर यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आगे की तरफ आएंगे और फिर यहाँ से प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे और फिर ग्रीन कलर को उठा लेंगे कुछ इस प्रकार से। फिर इसे कुछ इस प्रकार से आगे की तरफ आएंगे और यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ से हम इसे सेट कर देंगे। अब फ्रेंड यहाँ पर देखिए हमारा ये पार्ट क्लियर हो चुका है फ्रेंड। अब फ्रेंड आपको यहाँ से जो है आप उसी इस प्रकार से आगे की तरफ आना है और फ्रेंड इस लड़के के सर के ऊपर में डंडे हैं फ्रेंड, यहाँ आपको आ जाना है। यहाँ आने के बाद फ्रेंड आपको फिर से इस लेयर पर क्लिक करना होगा और यहाँ से फिर आप मीडिया पर क्लिक करेंगे और यहाँ से फिर आप बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ से ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद फ्रेंड फिर से इस कलर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कलर इसका चेंज कर लेंगे। यहाँ भी ग्रीन कलर हम सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद इसे भी कुछ इस प्रकार से फ्रेंड हम बड़ा कर लेंगे और इसे इस डंडे के ऊपर में सेट कर देंगे। यहाँ देखिए फ्रेंड हम सेट कर दिए हैं। अब फ्रेंड यहाँ पे जैसे जैसे आप इस ग्रीन कलर को आप सेट किए हैं बस ठीक वैसे ही आपको ऊपर वाले भी ग्रीन कलर को सेट करना है। तो फ्रेंड यहाँ से वीडियो हम स्क्रिप कर रहे हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब फ्रेंड यहाँ देखिए हम करके रेडी कर दिए हैं। अब फ्रेंड आपको यहाँ से हम प्ले करके दिखा दे रहे हैं। तो फ्रेंड देख लीजिए इस तरह से आपको भी ये फर्स्ट पार्ट में इस तरह से एडिटिंग कर देना है। अब फ्रेंड आपका फर्स्ट पार्ट एडिटिंग हो गया है। अब आपको यहाँ से एक्सपोर्ट एक बार कर लेना है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड आपको शेयर वाली आइकन दिखेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसे कुछ इस प्रकार से हाई कर लेंगे और यहाँ से एक्सपोर्ट वाला आइकन है, यहाँ पर हम एक्सपोर्ट कर देंगे। यहाँ देखिए फ्रेंड हमारा एक्सपोर्टिंग हो रहा है, कुछ टाइम लगेगा यहाँ पर एक्सपोर्ट होने में। अब फ्रेंड देखिए वीडियो एक्सपोर्टिंग हो चुका है। अब यहाँ से हम बैक चलेंगे। अब यहाँ पर आप जो भी वर्क किए हैं सब वर्क को यहाँ से आपको डिलीट कर देना है। यहाँ क्लिक करेंगे और जिसे डिलीट कर देंगे, फिर यहाँ क्लिक करेंगे इसे भी डिलीट कर देंगे। अब फ्रेंड इसे भी आपको डिलीट कर देना है। अब फ्रेंड फिर से यहाँ पर आपको मीडिया पर क्लिक करना होगा और आपको वो वीडियो सेलेक्ट कर लेना है जो आप सेकेंड पार्ट शूट किए हैं। यहाँ से फ्रेंड यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और फ्रेंड इस वीडियो में आपको जहाँ भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा उस एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से हम डिलीट कर देंगे। यहाँ देखिए फ्रेंड एक्स्ट्रा पार्ट है इस वीडियो में, तो यहाँ से हम एक्स्ट्रा पार्ट इस वीडियो में डिलीट कर लेंगे। यहाँ वीडियो पर क्लिक करेंगे और फ्रेंड यहाँ पर सीजर वाली आइकन पर क्लिक करेंगे और फ्रेंड आपको यहाँ पर फर्स्ट नंबर सेलेक्ट कर लेना है, ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेड, यहाँ क्लिक कर देंगे। यहाँ देखिए फ्रेंड हमारा एक्स्ट्रा पार्ट जो था वो डिलीट हो चुका है। अब फ्रेंड आपको फिर से यहाँ पर लेयर पर क्लिक करना होगा, अब फिर से यहाँ पर मीडिया पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ से फ्रेंड आपको वो वीडियो सेलेक्ट कर लेना है जो वीडियो आप अभी अभी जस्ट एक्सपोर्ट किया है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ देखिए फ्रेंड वीडियो आ चुका है। अब फ्रेंड यहाँ पर देखिए ऊपर वाली वीडियो का ड्यूरेशन कुछ बड़ा है, तो उसे भी हम कुछ नीचे वाली वीडियो की तरह ही इसका भी ड्यूरेशन को हम छोटा कर लेंगे। यहाँ देखिए फ्रेंड छोटा हो चुका है। अब फ्रेंड यहाँ पे हमको सेकंड नंबर वीडियो पर क्लिक करना है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ देखिए फ्रेंड इसे हम फुल स्क्रीन कर लिए हैं। अब फ्रेंड फिर से आपको सेकेंड वाली वीडियो पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको कुछ इस प्रकार से आगे की तरफ आना है। आगे की तरफ आइएगा तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड आपको ये ग्रीन कलर
दिखेगा। ग्रीन स्क्रीन को आपको क्रोमा की निकालना होगा। क्रोमा की निकालने के लिए फ्रेंड यहाँ पर देखिए आपको क्रोमा की का एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। आपको फ्रेंड यहाँ से आपको ये ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ देखिए फ्रेंड हम सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से आपको अनेबल इसे कर देना है। यहाँ देखिए फ्रेंड अनेबल कर दिए। अनेबल करने के बाद फ्रेंड ये वीडियो बन के रेडी हो चुका है। अब फ्रेंड आपको हम इस वीडियो को प्ले करके दिखा दे रहे हैं। तो फ्रेंड एडिटिंग कंप्लीट हो गया है बहुत ही अच्छी ढंग से। तो फ्रेंड आप समझ गए होंगे जी किस तरह से एडिटिंग किया जाएगा। तो फ्रेंड आपको यहाँ पे म्यूजिक ऐड कर लेना है, जो भी म्यूजिक आप अपना वीडियो में ऐड करना चाहेंगे। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड आपको ऑडियो का ऑप्शन दिखेगा, ऑडियो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से फ्रेंड आप अपने म्यूजिक अपने वीडियो में ऐड कर सकते हैं। तो आप चाहें तो अपने वीडियो में म्यूजिक ऐड कर सकते हैं। अब फ्रेंड आपको यहां से कुछ नहीं करना है, बस यहां पर देखिए आपको शेयर वाली आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक करना होगा और यहां से फिर से आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। यहां देखिए फ्रेंड हमारा वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गया है। तो गाइस आप समझ गए होंगे जो किस तरह से एडिटिंग किया जाएगा, और इस वीडियो का तरह ही आप अपना वीडियो एडिटिंग करने के लिए काफी उत्साहित होंगे। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, प्लस अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और गाइस इस वीडियो से जाने से पहले प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि गाइस आप एक लाइक कर देते हैं तो उससे गाइस आपके भाई को काफी मोटिवेट मिलता है, जिससे फ्रेंड आपके लिए इस तरह से ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए उत्साहित रहते हैं। और गाइस इस वीडियो में आपको कहीं भी कंफ्यूजिंग हो, कहीं भी आपको समझ नहीं आई हो, तो इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए ओके बाय।